इस बीच एक बड़ी खबर आपको देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी भी दी गई है और सीएम योगी को धमकी देने वाले इस मामले में महिला की पहचान हो गई है। ये एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ा डेवलपमेंट इस खबर में। आरोपी महिला को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, मुंबई कंट्रोल रूम महिला को बुला चुकी है क्योंकि इस महिला ने जान से मारने की धमकी और कुछ दिनों की मोहलत दी थी। उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को कि अपने पद से इस्तीफा दे दें वरना जान जा सकती है। और देखिए अब इस महिला को पकड़ लिया गया है, अब इससे पूछताछ होगी, ये जानकारी ली जाएगी कि आखिर ये सब करने के पीछे की वजह क्या है। इस महिला के तार खंगाले जाएंगे, किन लोगों के साथ इस महिला का जुड़ाव है, किन संगठनों के ये संपर्क में है, क्यों इसने इस तरह की धमकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए दिए। विवेक गुप्ता और जानकारी देंगे। विवेक, ये महिला कौन है जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी? देखिए आपको बताना चाहेंगे कि शनिवार सुबह तकरीबन 10-11 के बीच में मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल को एक धमकी वाला मैसेज आता है जिसमें साफ तौर पर लिखा रहता है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर ये योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की उसमें धमकी दी जाती है, जिसके बाद मामले को काफी गंभीरता से देते हुए मुंबई पुलिस मामले पर जांच कर रही है। जिस नंबर से ये धमकी वाला मैसेज भेजा गया था उस नंबर को ट्रेस डाउन किया गया है और बताया जा रहा है कि ये जो नंबर है किसी महिला का है, महिला ने ये धमकी वाला मैसेज भेजा था। पुलिस ने अब उस महिला को पूछताछ के लिए मुंबई के वर्डी पुलिस स्टेशन बुलाया है और आगे की जांच कर रही है कि आखिरकार ये महिला ने क्यों फोन किया, किस वजह से मैसेज भेजा गया। लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मानसिक रूप से ये महिला थोड़ी सी कमजोर है, उसको आइडिया नहीं था कि वो किसके मैसेज कर रही है और किस बंदे के नाम पर धमकी भरा ये मैसेज भेज रही है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए उस महिला को मुंबई के वर्डी पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया है। अच्छा, आपसे इस महिला का थोड़ा सा बैकग्राउंड और जानना चाहेंगे। ये महिला जो है जिसने, देखिए, देश का इतना बड़ा सूबा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जो इन्होंने धमकी दी है, इसके पीछे की मंशा भी साफ होना बहुत जरूरी है। अभी ये सब जांच का विषय है कि महिला किन लोगों के संपर्क में है, क्या किसी संगठन के ऐसे संपर्क में है जो इसको उकसाता है या किसी बहकावे में आकर इसने ये बात कही है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी तो दी है, एक समय भी दिया था 10-15 दिन का जो मोहलत दी थी कि अपने पद से इस्तीफा दे दें जिसके बाद जान बच जाएगी, इतना साहस कहां से इस महिला में आया? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए ये काफी ज्यादा सीरियस मैटर है और जिस तरीके से उसने मैसेज लिखा था, मैसेज में भी साफ तौर पर लिखा हुआ था कि अगर बाबा योगी आदित्यनाथ 10-15 दिनों में इस्तीफा नहीं देंगे तो उनका बाबा सिद्दीकी जैसा हाल हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी जो एनसीपी के बड़े नेता थे उनकी मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने पूरे मामले को काफी ज्यादा गंभीरता से लिया है। लेकिन शुरुआती जानकारी मिल रही है कि जो महिला है वो मेंटली अनस्टेबल है और उसे आइडिया नहीं था कि वो किसके नाम पर मैसेज कर रही है। यही वजह है कि पहले महिला को मुंबई पुलिस ने वर्दी पुलिस स्टेशन बुलाया है, उससे डिटेल जानकारी ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी, उसके बाद मुंबई पुलिस महिला के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी। कानूनी कार्रवाई तो इस महिला के ऊपर होगी, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो मुंबई पुलिस के पास फिलहाल ये महिला मौजूद है, क्या यूपी की तरफ से भी कोई टीम जाएगी जो इस महिला से पूछताछ करेगी, ऐसी भी कोई जानकारी मिल रही है विवेक? मामला ये मुंबई का ही है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम का जो ऑफिस है वो वर्ल्डी इलाके में आता है। यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस ने कंप्लेनेंट बंद कर मुंबई के वर्ल्डी पुलिस स्टेशन में इसकी FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने FIR भी दर्ज की क्योंकि मामला काफी सेंसिटिव था और पुलिस ने फोन नंबर को ट्रेस डाउन कर महिला की पहचान भी कर ली है। और मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि यूपी पुलिस की मदद इसमें नहीं ली जाएगी क्योंकि पूरे मामले को मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस खुद ही तफ्तीश कर रही है। अब जब आरोपी की पहचान हो चुकी है और पुलिस ने महिला को बुलाकर पूछताछ करने के लिए बुलाया है उसमें यूपी पुलिस का आना थोड़ा सा कम चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विवेक गुप्ता जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अभी